Hello everyone, welcome to EME Technologies. My name is Engineer Munish Sharma. Today I am here to present my topic on embedded system. So basically embedded system hota kya hai? Matlab kisi bhi IC ke saath ya IC kya hota hai? IC hum basically transistor se ko mila ke hum usko fabricate karke kisi silicon ki plate pe usse hum ek IC banate hain jo hamara kaam karta hai. सो रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटर इंडक्टर ये सब भी लगे होते हैं एक एम्बेडेड सिस्टम में. एम्बेडेड सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इवन बेसिक तो एम्बेडेड सिस्टम ही है. हर नॉर्मल लाइफ में हम घूमते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा एम्बेडेड सिस्टम ही दिखेगा. तो ये है हमारा एम्बेडेड सिस्टम का एक सर्किट बनाया हुआ मैंने. ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है प्रोटियस. इसको हम कहते हैं ISIS प्रोटियस. सो ये प्रोटियस में हमने एक सिमुलेशन करके एक सर्किट बनाया है. तो देखिए सॉफ्टवेयर का कितना फ़ायदा है कि हम इस सॉफ्टवेयर में कोई भी हमारा सर्किट है बिना किसी हार्डवेयर के हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे. हम आपके सामने टेस्ट करेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पावर लगा हुआ है. ये 330 ओम का रेजिस्टेंस और ये LED के साथ हमें 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे इतना करंट नहीं ले पाता ये LED. 1.8 to 3.3 वोल्ट पर हमारा LED चलता है. तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है. ये BC547 ट्रांजिस्टर है. BC547 ट्रांजिस्टर कौन सा होता है? NPN ट्रांजिस्टर होता है. इसको हम पॉजिटिव बाइसिंग देंगे तो ये कंडक्ट करेगा. ये बेसिकली एक स्विच की तरह काम करता है. तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 330 ओम का सेम वही प्रॉब्लम है इसका भी. ये इसके भी अगर बेस पे हम ज़्यादा वोल्टेज या करंट देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको अब प्ले करके देखते हैं. जब हम ये स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच आप देख सकते हैं ये स्विच है, तो जिसको हम प्रेस करेंगे तो पावर बेस बाइसिंग तक पहुंचेगा. NPN इसका पॉजिटिव अगर हम इसको सप्लाई देंगे तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा. मतलब एक तरह से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये. और इसको ग्राउंड मिल गया, इसको तो पावर मिल ही रहा है, तो ये कंडक्ट करेगा तो ये जलेगा LED. तो हम देख रहे हैं अभी ये हमने इसको प्रेस किया और ये ऑन हो गया. तो इसी तरह से हम बहुत सारे सर्किट हम इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं. इसकी एक लाइब्रेरी होती है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है. इसमें हमारे सारे हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा. जैसे कि हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर, क्या कोड होता है उसका? 89C51, 89S51, इस तरह के कोड्स होते हैं हमारे. जो 8051 फैमिली 80 एटमेगा बनाता है ये, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो जाता है. और इसी तरह से हमें कोई और ट्रांजिस्टर चाहिए, जैसे PNP ट्रांजिस्टर का क्या फॉर्म कोड होता है? BC557, ये हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर. ये हमारा हो गया ऐड यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो ऐसे ही इसी तरह से हम इसको 8051 माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे लगा सकते हैं. इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका कील में, अभी मैं आपको बताऊंगा कील में जो हमने कोड राइट किया है वो हम यहाँ पे हेक्स कोड में लिंक करेंगे. ये 12 MHz का, इसका वैसे 12 MHz नहीं, 11.0592 MHz का एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता है. तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा. ये बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, बहुत काम आएगा ये लाइफ में. ओके, तो इसके बाद आते हैं हम कील पे. ये कील माइक्रोविजन, इसमें हम कोई भी लैंग्वेज में, जैसे कि ये लैंग्वेज देख पा रहे होंगे आप, ये हमने लिखी है असेंबली लैंग्वेज लिखी है हमने. ये ORG00, इसी तरह से एक सी लैंग्वेज होती है वो हमारी आर्डुइनो में यूज़ होती है, वो भी हम करेंगे. तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड है. हमने स्टार्ट किया, ओरिजिन हुआ हमारा 00H से, 00 से हमारा हेक्स कोड, बाइनरी कोड, ये हम सब आपको बताएंगे. क्लियर ए का मतलब क्लियर एक्यूमुलेटर. इसमें एक हमारा एक्यूमुलेटर होता है, उसे हमें पहले क्लियर करना पड़ता है ताकि पुरानी कोई वैल्यू ना हो. उसके बाद हम मूव करते हैं, मूव P1, A. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हमारी वैल्यू एक्यूमुलेटर में है वो हमने P1 में रख दी. तो इससे क्या हुआ, इससे पहले हमने एक्यूमुलेटर क्लियर किया था मतलब सारी बिट्स उसकी ज़ीरो हो गई थी. तो ये हमने एक्यूमुलेटर इसको भी क्लियर कर दिया. हम क्लियर, ये जो क्लियर वाला ऑप्शन है ना, ये जो क्लियर वाला कोड है, ये हम पूरे पोर्ट पे नहीं लगा सकते. अभी आपको मैं बताता हूँ.
ये है हमारा 8051 का पिन डायग्राम। ये जैसे देख पा रहे होंगे, ये हमारा 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है और चार पोर्ट्स हैं इसके, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। इसमें हमें 32 जनरल पर्पस पिन्स मिल जाएंगी, जिससे हम किसी भी तरह का कोई भी काम ले सकते हैं। और बाकी की आठ जो बची, 40 पिन है ना, तो 32 में से आठ ही बची। आठ जो है वो हमारी स्पेशल पर्पस हैं, जैसे कि ये होगी एड्रेस एनेबल, एड्रेस लैच एनेबल, ALE हो गया, एक्सटर्नल एक्सेस ये हो गया, एक्सटर्नल मेमोरी अगर हमने कनेक्ट करनी है, प्रोग्राम स्टेटस एनेबल, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, RxTxD, रिसीवर पोर्ट और TX पोर्ट, INT0, इंटरप्ट्स, ये जो हमारे दो इंटरप्ट है, T0 T1, ये हमारे टाइमर्स है, और ये रीड एंड राइट का प्रोग्राम है। इस इन पिन्स के थ्रू हम अपना प्रोग्राम रीड राइट करते हैं, जैसे हम प्रोग्रामर में डालेंगे तो ये पिन्स यूज होगी। इन इसके बारे में आपको ज़्यादा डीप जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये XTAL, ये क्या होता है? ये होता है हमारा क्लॉक, मैंने आपको बताया था, जैसे 11.0592 MHz का क्लॉक लगा होता है, इसमें हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ता है। और ये RST, ये हमारी होती है रीसेट पिन, इसको हम हाई कर देते हैं एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के, तो ताकि ये हमारा जब पूरा का पूरा जो हमने प्रोग्राम इसमें डाला है, जैसे ये कील में जो हमने प्रोग्राम हम इसमें डालेंगे प्रोग्रामर के थ्रू, तो जब ये पूरा प्रोग्राम फेच हो जाए, एंड आ जाए ना, तब ये रीसेट पिन इसको दोबारा से रीसेट कर दे, तो ताकि ये प्रोग्राम चलता रहे हमारा, रुके ना। नहीं तो ऐसे तो एंड कर दिया हमने, रुक गया ये प्रोग्राम, है ना। तो इसी तरह हमारा ये चलेगा। इसमें हमने छोटा सा प्रोग्राम है ये, इसमें हमने कॉल फंक्शन लगाया, कॉल डिले से हम मतलब ये डिले कॉल कर रहे हैं, ये डिले बनाया हमने। मूव R6 में हमने 250 वैल्यू पास कर दी। R7, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिले बनाने के लिए। किसी भी फंक्शन में हमें डिले चाहिए होगा तो हम ये डिले फंक्शन बनाएंगे, इसको हम वेरी कर सकते हैं इस वैल्यू से। वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है? सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है 255, इससे ज़्यादा हम वैल्यू नहीं, क्योंकि एक बिट में हम 255 से ज़्यादा वैल्यू, 0 to 255, 256 वैल्यू से हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, इसलिए हम 255 रखते हैं इसे, ठीक है। DJ डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो, अगर जीरो नहीं होगा तो ये डिक्रीमेंट करता रहेगा, ये एक लूप बनाया हमने बेसिकली डिले डालने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा अर्डुइनो। अर्डुइनो बेसिकली, ये अर्डुइनो का सॉफ्टवेयर है, अर्डुइनो IDE, ये इटली में बनाया गया था ये, तो इसका बहुत आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ना हमें किसी प्रोग्रामर की ज़रूरत है। ये अराउंड 400 का एक डिवाइस आता है, जिसको हम 8051 की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, सब काम ले सकते हैं। ना इसके लिए हमें प्रोग्रामर की ज़रूरत है, ना इसकी प्रोग्रामिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे 8051 की तो थोड़ी सी कह लो मुश्किल होती है, बट इतनी भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये वाली बहुत आसान होती है। जैसे इसमें हमें सारे एग्जाम्पल्स तो पहले से ही दे रखे होते हैं, जैसे हमने कोई LED, अब उसमें 8051 में हमें LED ब्लिंक करानी हो तो इसके लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन इसमें बेसिक डिजिटल हम ब्लिंक बटन लगा देंगे, ये बटन वाला प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बना ही हुआ है इसमें, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये कांस्टेंट इनपुट बटन पिन, इसमें हमें पहले डिफाइन कर, इसका मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ पूरे प्रोग्राम का, कांस्टेंट इनपुट बटन पिन, इसमें ये एक तरह के बेसिकली कह लो कि मतलब ऐसे ही लिखा जाता है, ये सी लैंग्वेज में लिखा जाता है ये प्रोग्राम। सो बटन पिन 2, इसमें हमने डिफाइन कर दिया कि बटन पिन 2 होगी हमारी, जिस पे हम बटन लगाएंगे। LED पिन 13, 13th पिन पे हम LED लगाएंगे। और इनिशियल स्टेट, इनिशियली अब हमें पता तो है नहीं कि बटन दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ, तो हमने इनिशियल स्टेट उसकी जीरो कर दी, कि जिस भी स्टेट में होगा मतलब उसको हम जीरो मानेंगे, वॉइड सेटअप। ये पहले तो हमने वेरिएबल्स हैं जो हमारे, उसको हमने डिफाइन कर दिया यहाँ तक। इसके बाद आता है हमारा सेटअप वाला पोर्शन, इसमें हमने पूरा इनिशियलाइज किया हमारे प्रोग्राम को, कि पिन मोड LED पिन को हमने आउटपुट बनाया कि आउटपुट देगा, और बटन पिन जो हमारी बटन पिन हमने यहाँ पे 2 असाइन की थी, ये हमारी इनपुट, बटन इनपुट देगा और LED आउटपुट लेगा, इसका बेसिकली ये है। और वॉइड लूप है हमारा,
इसमें हम पूरी लूप बनाते हैं कि मतलब किस तरह से पूरा हमारा जो सर्कल है वो चलेगा। यहाँ तक पहले हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, फिर हमने सेटअप लिखा कि ये मतलब हमारी आउटपुट इनपुट डिफाइन किए, फिर हमने लूप बनाया। ये होता है मेन प्रोग्राम, लूप में लिखा जाता है। बटन स्टेट इज इक्वल टू डिजिटल रीड बटन पिन। बटन स्टेट जो है वो रीड करेगा कि बटन पिन का स्टेटस इस टाइम क्या है। ऐसे इस प्रोग्राम ऐसे इन प्रोग्राम्स में इतना आसानी से, ये देखो ये जो है ये कमेंट्स होते हैं, ये हमारे ये कमेंट्स हमें सब अब सब बताते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, क्या फंक्शन करेगी। अब इफ बटन स्टेट इज इक्वल टू हाई, अगर बटन स्टेट को हम मतलब बटन को दबाते हैं तो उसका स्टेटस हाई हो जाएगा। पहले लो था, पहले जीरो था, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, पहले लो था अब हाई कर दिया हमने। तो टर्न ऑन एलईडी, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, तो हम अगर बटन दबेगा तो एलईडी पिन हाई हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम बटन छोड़ देंगे एलईडी ऑफ हो जाएगा हमारा। अगर बटन स्टेट लो है तो हमारा एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारा आर्डुइनो का प्रोग्राम है, इसको हम बर्न करते हैं। यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर भी होता है हमारे पास, लेकिन इस टाइम मेरा आर्डुइनो कोई कनेक्टेड नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। स्केच में हम और भी बहुत सारे आर्डुइनो के तो इतने फंक्शन है कि आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज में भी यही प्रोडक्ट यूज़ होता है कि इसकी प्रोग्राम आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।